सो वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से एक नया सेशन शुरू कर रहे थे, जिसमें हम लोग हिंदी मीडियम के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को बायोलॉजी का जो पूरा चैप्टर है ना, सारा चैप्टर, सारा का सारा चैप्टर, हम लोग केवल इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने के लिए ये सेशन लाए हैं। ठीक है, तो हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ केवल देखेंगे जो जिससे क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक, तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं हमारा इस जो बोर्ड एग्जाम नाम का जो सीजन है, इसका पहला वीडियो लेक्चर। तो हमारा पहला वीडियो लेक्चर है जीवों में जनन। तो इस वीडियो में मैं इस सारे चैप्टर में जो जो चीज़ आपको पढ़ना जरूरी है वो सब चीज़ पढ़ा दूंगा। अदरवाइज आपको बाहर से कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो आप पहले पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, इस बार आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जीवों में जनन। देखिए, इस चैप्टर में स्पेशली हम लोग को जीवों में होने वाले जनन को समझना है। जीव जैसे कि हम लोग हो गए, हम जीव हैं, पौधे भी जीव हैं। ठीक, हम दोनों ही जीव हैं, इंसान पौधे दोनों जीव हैं। ठीक, तो जीवों में जनन किस टाइप का होता है? तो जीवों में दो टाइप का जनन होता है। पहला एक जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक, अलैंगिक कहने का अर्थ है कि इनके पास कोई विशेष संरचना नहीं होता जनन के लिए। जैसे अगर हम लोग विशेष संरचना बोले मनुष्यों में या पौधों में, तो उनमें लिंग की उपस्थिति है। पौधों में जैसे पुष्प है, तो पुष्प एक लिंग हो गया, और नर और मादा तो आपको पता ही है मनुष्यों में। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें अलैंगिक मतलब कि इसमें लिंग नहीं होता, इसमें कोई भी लिंग नहीं पाया जाएगा इस जनन में। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग को पूरे 6 टॉपिक को डिस्कस करना है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत 6 टाइप के जनन हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लेक्चर को लंबा नहीं करना, शॉर्ट रहेगा, लेकिन आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अलैंगिक पता चल गया कि इसमें कोई विशेष प्रकार की जनन संरचना नहीं पाई जाती। आपसे अगर गलती से पूछ ले लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलैंगिक में कोई विशेष प्रकार की जनन संरचना नहीं पाई जाती। ठीक, और अलैंगिक जनन के अंतर्गत पहला आता है आपका द्विखंडन। अब देखिए क्या होता है, कोई जीव जैसे कि आपका कोई अमीबा है। ठीक, तो अमीबा कुछ इस टाइप का, ये अमीबा है, तो ये सिंपली ये 2 टुकड़ों में बट जाएगा और दोनों ही एक नए नए जीव के रूप में विकसित हो जाएंगे। ये क्या हो गया, ये द्विखंडन हो गया। ठीक, अब कलिका निर्माण। अब मान लीजिए ये कोई आपका हाइड्रा है। ठीक, हाइड्रा कुछ इस प्रकार दिखता है। अब ये कोई हाइड्रा है और ये यहाँ से एक छोटी सी कलिका निकाला, फिर ये कलिका धीरे से क्या हुआ, यही कलिका धीरे से यहाँ पर ये बड़ा हो गया, ये कलिका। तो ये धीरे से बड़ा होकर के ना यहाँ से ये अलग हो जाएगा, ये एक हाइड्रा बन जाएगा, ये एक हाइड्रा बन जाएगा। तो ये होता है कलिका निर्माण। ओके, क्लियर। अब तीसरा है आपका अलैंगिक जल बीजाणु। देखिए क्या होता है, आपका अलैंगिक जो जल बीजाणु है उसमें सिंपली कुछ बीजाणु, कुछ इस टाइप के बीजाणु होंगे, ये अलैंगिक होंगे। ठीक है, लेकिन ये चल सकेंगे क्योंकि इसमें देखिए ये जो फ्लैजिला मैंने बनाया है मतलब कशाभिका, तो ये इसको चलने में सहायता करेगा, लेकिन ये लैंगिक नहीं है ना, अलैंगिक है, अलैंगिक जल बीजाणु। अभी मैं आपको इन सब का उदाहरण बताऊंगा। ओके, तो अभी आप बस समझ जाइए क्या होता है। और एक होता है आपका कोनिडिया। कोनिडिया में क्या होगा, सिंपली ये भी कुछ इस प्रकार के बीजाणु जैसी संरचनाएँ निकली होंगी कोनिडिया में। सिंपली सा आप जैसे चित्र में देख पा रहे होंगे, आपको चित्र में दिख रहा होगा कोनिडिया, पेनिसिलिया में कोनिडिया। ठीक, तो वो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। और उसके बाद देखिए जैम्यूल। जैम्यूल क्या होगा, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, सिंपली एक गोला है, उस पर इस प्रकार की संरचना है और अंदर छोटे छोटे बीजाणु जैसी संरचना भरी हुई है। उन बीजाणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, जैम्यूल का नाम देते हैं। क्लियर। अब एक होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में कुछ नहीं यार, जैसे कि आपका जैसे आलू है। ठीक है, तो आलू में जो छोटी सी आँख निकली होती है जिससे एक पूरा नया पौधा जन्म लेता है, तो वो हो गया। ऐसे ही अदरक में प्रकंद होता है, जैसे अगर ये आपका एक अदरक का पौधा है तो इसमें प्रकंद निकले हुए होते हैं। तो ठीक, तो ये हो गया आपका कायिक प्रवर्धन। तो ठीक है, अभी मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ और आपको इन सब का एक एक बार उदाहरण बता देता हूँ, फिर इतना में ये हो जाएगा क्लियर। सो चलिए अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे 3 नंबर क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक में अंतर, तो आपको सिंपली बता देना होगा कि लैंगिक वाले में लैंगिक अंग होता है, अलैंगिक में लैंगिक अंग नहीं होता। ठीक, और इसमें अभी इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर इस बात हम लोग समझेंगे क्लोन को। क्लोन क्या होता है, देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे अगर हम लोग द्विखंडन की बात करें, तो इसमें जो अमीबा होता है, वो अमीबा सिंपली क्या हो रहा है, ये अमीबा 2 टुकड़ों में विभाजित हो रहा है और दोनों टुकड़े क्या होंगे, एक जैसे दिखेंगे। मतलब एक जो अमीबा होगा ये स्वयं एक अमीबा है। ठीक, तो ये अमीबा जनक अमीबा है और ये 2 टुकड़ों में बट के ये 2 अमीबाओं में बन गया, तो ये दोनों अब संतति अमीबा हो गई, तो ये दोनों सेम ही दिखेंगे। ठीक, एक दूसरे के समान होंगे, इसलिए इनको हम लोग क्लोन बोलते हैं।
एक बार इसका परिभाषा भी लिखवा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आ गया कि क्लोन क्या होते हैं, कि उनका पिता भी वैसा ही दिखे और उनके बच्चे भी वैसे दिखे, सेम टू सेम, ये होता है आपका क्लोन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले द्विखंडन का उदाहरण देखते हैं। तो द्विखंडन में सबसे पहले आपका अमीबा हो जाएगा, अमीबा, फिर आपका इसमें पैरामीशियम, याद करते जाइएगा पैरामीशियम ना, पैरामीशियम, ये थोड़ा सा अच्छे से पैरामीशियम हो गया। फिर अब इसके बाद आपका कलिका निर्माण, तो कलिका का निर्माण कौन करेगा, सिंपली है आपका हाइड्रा होता है, हाइड्रा में कलिका का निर्माण होता है, हाइड्रा आप थोड़ी देर पहले चित्र में भी देखे होंगे, हाइड्रा हो गया। और फिर अगर आपका अलैंगिक जल बीजाणु का बात करें, तो अलैंगिक जल बीजाणु आपका कोनी वो बनाता है, क्लेमाइडोमोनास, क्या क्लेमाइडोमोनास याद रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास। और अलैंगिक जल बीजाणु में आपका कुछ शैवाल भी होते हैं, शैवाल भी आपके अलैंगिक जल बीजाणु बनाते हैं, शैवाल, और कुछ कवक भी, और कुछ कवक भी, कवक मतलब फंगस जो आप मशरूम देखते हैं वो भी एक प्रकार का कवक है, तो भी अलैंगिक जल बीजाणु का निर्माण करते हैं। और जैसे कलिका में एक आपका होता है हाइड्रा होता है, एक और आपका यीस्ट, यीस्ट भी एक टाइप का यीस्ट, तो ये जैसे हाइड्रा होता है ना, इसी प्रकार से यीस्ट भी होता है, और ये भी चुपचाप अपना विभाजन करता है। यीस्ट कहने का संदर्भ ये है कि देखिए, जैसे आपका जीवाणु अलग चीज़ है, विषाणु अलग चीज़ है, शैवाल अलग चीज़ है, ऐसे ही एक यीस्ट भी एक अलग ही जीव है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोनिडिया का निर्माण, कोनिडिया ये हमारा बनाता है पेनिसिलियम, याद रखिएगा क्या, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम और जेम्यूल का निर्माण, जेम्यूल का निर्माण हमारा स्पंज करता है, कौन, स्पंज। देखिए मैं ऐसे धीरे से बोल के लिख रहा हूँ ताकि ना आपको एक बार में ज़्यादा चीज़ क्लियर होते जाए, जो मैं लिख रहा हूँ वो देखें तो एक बार में आपको समझ में आए, और हो सके तो ना आप एक नोट बनाइए, नोट करते जाइए ताकि आपको ये सब याद हो जाए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब काईक में, काईक में सिंपल है, आलू की आँख हो गई, और फिर आपका जो वो होता है अदरक, अदरक में प्रकंद, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएंगे, ठीक। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन के जो जनक और संतति है ना, वो कैसे होते हैं, वो एक जैसे दिखते हैं, अतः उनको हम लोग क्लोन का नाम दे देते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोन। तो अब इसका परिभाषा लिखते हैं, चलिए क्लोन का परिभाषा देखते हैं। ऐसा होता है कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन से निर्मित जो संतति है वो अपने पिता के समान ही दिखती है या अपने पिता के जैसी होती है, तो वो होता है हमारा क्लोन। तो अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति अपने पिता के समान होती है, अतः उसे क्लोन कहते हैं, और ये अनुवांशिक रूप से भी पिता के समान होगा, अगर उसके पिता के अंदर जैसी जैसी चीज़ें हैं वैसी ही इसके अंदर भी होंगी। तो मैं इसका आपको एक बार परिभाषा लिख के बता देता हूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्लोन की परिभाषा, बड़ी सुंदर परिभाषा है कि अलैंगिक जनन द्वारा, ठीक, ये कौन सा जनन था, अलैंगिक, अलैंगिक जनन द्वारा निर्मित जो संतति है, मतलब पुत्र है या बच्चा है, अलैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति आकारिकीय व आनुवांशिक, आकारिकीय व आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, यह क्लोन कहलाते हैं। देखिए आकारिकी मतलब दिखने में, और आनुवांशिक मतलब कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, उसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है, वो दोनों एक ही समान होता है पिता और पुत्र में, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। और क्लोन कब बनता है, क्लोन अलैंगिक जनन में बनता है। आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा, जितना बताया उसको रिवीजन के लिए अच्छे से, ठीक। अब हम लोग लैंगिक जनन को देखते हैं, तो मैं ये सब रफ कर देता हूँ, फिर लैंगिक जनन को पढ़ते हैं। सो अभी आप लोग थोड़ी देर पहले ही यहाँ आप लोग क्लोन पढ़े, ठीक है। तो क्लोन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से ना मतलब क्वेश्चन आता है बहुत बार, आपको एक नंबर दो नंबर इसमें आपको पूछ देगा कि क्लोन क्या है, उसके एग्जांपल बताइए। तो क्लोन आप जान लीजिएगा, और एग्जांपल पे यहाँ जितने भी दिए थे वो सारे देख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे हम लोग जितना एग्जांपल देखे तो उनमें से एग्जांपल और वो किस टाइप का अलैंगिक जनन करता है उस चीज़ से क्वेश्चन बनता है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग लैंगिक जनन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, देखिए लैंगिक जनन को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब किस आधार पर, सबसे पहले आपको समझना होगा निषेचन, निषेचन क्या होता है, लाइक समझिए कि ये कोई नर युग्मक शुक्राणु है और यही कोई मादा युग्मक अंडाणु है, ठीक। अब ये युग्मक क्या है, युग्मक मतलब कि ऐसा ऐसा शरीर का अंश जो क्या करे, शरीर के अनुवांशिक पदार्थ को लेके जाए, ठीक।
ठीक, शरीर के अनुवांशिक पदार्थ को लेके जाए और संतति उत्पन्न करने में हेल्प करे। ठीक, तो ये हो गया युग्मक, ये नर युग्मक हो गया शुक्राणु, और ये मादा युग्मक अंडाणु। इन दोनों के मिलने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। और ऐसे ही अगर हम लोग पौधों में बात करें तो ये हो गया कोई परागकण, और ये किसी एक स्त्री केसर पे आकर के ये गिरता है तो ये हो जाता है परागण। तो यहाँ पर से भी ये अंदर जा करके क्या करेगा? निषेचन करेगा। यहाँ जो अंड उपस्थित होगा उससे ये परागकण निषेचन करेगा। तो ये आई थिंक निषेचन क्लियर हो गया होगा। प्रजनन में कन्फ्यूज मत होइएगा, प्रजनन एक अलग प्रक्रिया है। ठीक है, प्रजनन में क्या होता है, नर और मादा अंग का जो मिलन होता है उसको बोलते हैं प्रजनन। जैसे कि ये नर और मादा अंग आपस में मिल रहे हैं तो ये जो प्रोसेस ये प्रजनन है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से एक अंदर जाएगा परागकण और यहाँ जो अंड है इस अंड से मिलेगा। ठीक, इस अंड से मिलने का प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग निषेचन। ये हो गया प्रजनन, ये हो गया निषेचन। अब निषेचन के पश्चात अब ये पूरा फल बन जाएगा। मान लीजिए एप्पल का था तो अब ये एप्पल बन जाएगा, और एप्पल के अंदर जो बीज देखेंगे वो उसका भ्रूण होगा, उसका बच्चा। और वैसे ही ये नर और मादा मिल जाएंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो एक नया बच्चे का निर्माण होगा सिंपली। तो ये क्या कहलाता है? निषेचन। तो अब देखिए, तो निषेचन से पहले ज़रूरी है कि पहले तो हमारे युग्मक बने, तो इसीलिए हम लोग निषेचन से पहले रख देते हैं निषेचन पूर्व घटना। और निषेचन से पहले होने वाले घटना में है हमारे युग्मक का निर्माण, कि हम लोग का पहले युग्मक निर्माण हो, फिर इस युग्मक का क्या हो, स्थानांतरण। ये देखिए, ये स्थानांतरित हुआ, इस अंडाणु के पास आया, वैसे ही ये किसी दूसरे पौधे से यहाँ आया। ठीक, तो ये हो गया युग्मक का स्थानांतरण। पहले युग्मक निर्माण, युग्मक का स्थानांतरण, अब उसके बाद हो जाएगा निषेचन। निषेचन आपको दिख रहा है सिंपली, ये होता है निषेचन। और निषेचन के बाद होता है हमारा निषेचन पश्च घटना। अब निषेचन पश्च घटना का भी मैं आपको हिंट दे चुका हूँ कि निषेचन पश्च घटना में क्या होगा। यहाँ से सिंपली एक बच्चा का निर्माण होगा और यहाँ से सिंपली बीज का निर्माण हो गया। तो ये हो गया निषेचन पश्च घटना के अंदर। तो आपका जो शुरू चैप्टर है ना, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जो मैंने बताया वो सब इम्पॉर्टेंट है। अब जो आप लोग ये सब जो चीज़ देख रहे हो ना, लैंगिक जनन, ये आपको दूसरे और तीसरे चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में आपको पादपों का पढ़ना है, ठीक है, और तीसरे चैप्टर में आपको मनुष्यों का या फिर जंतुओं का बोल सकते हैं। तो मनुष्यों का आपको पूरा ये लैंगिक जनन के विषय में अच्छे से पढ़ना है। ठीक, सो अब तक चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी ये जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है ना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इन शब्द का मतलब जान लो, बायोलॉजी यही है कि यार कुछ चीज़ें हो रही है, उस चीज़ को एक नाम दे दो और घटना और चीज़ का नाम जान जाओ, बस यही बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि एक वर्षीय पुष्प, मतलब कि जो पूरे वर्ष में, मतलब सिर्फ एक बार अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार क्या करते हैं, पुष्प खिलते हैं, और पुष्प के जरिए क्या होता है, उनका प्रजनन होता है। तो ऐसे एक वर्षीय पुष्प, जैसे कि आपका नीला कुरेंजी, क्या है नीला कुरेंजी, ये 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प, इसमें पुष्पन होता है। कितना? 12 वर्ष में एक बार पुष्पन होता है। वैसे ही आपका बांस है, क्या बांस, बांस आप लोग जो देखते हैं बड़े बड़े से बांस, ये 50 से 100 वर्ष होते हैं। इसका 50 से 100 वर्ष इतना में ये एक बार पुष्पन करता है। ठीक, दो चीज़ याद हो गया, नीला कुरेंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करेगा, बांस हो गया जो 50 से 100 वर्ष में एक बार पुष्पन करेगा। ठीक, ये होता है एक वर्षीय पुष्प। और एक होता है बहुवर्षीय पुष्प। बहुवर्षीय ये मतलब ये हर साल पड़े, हर साल फूल खिलेगा इसका, हर साल। जैसे कि आपका इसमें हो गया आम, और भी बहुत सारा है, आम, इमली, पपीता। पपीता तो खैर उसका जीवन काल ही बहुत कम होता है, तो जो भी शाकीय वृक्ष जैसे कि आम हो गया, कटहल हो गया, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। बहुवर्षीय लोग हर साल पुष्प खिलता है। ठीक है, अब आपको समझना है मध्य चक्र और ऋतु स्राव। ठीक है, क्या होता है, आपने कुत्तों को देखा होगा, गायों को देखा होगा, उनका एक सीजन रहता है कि वो केवल एक सीजन में ही प्रजनन करते हैं और बच्चे उत्पन्न करते हैं। ये होता है आपका, जैसे इसको बोलते हैं मध्य चक्र। अगर हम लोग गाय की बात करें तो वर्ष में एक बार बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन अगर वही हम लोग डॉग की बात करें तो वो पूरे साल भर में 2 बार बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो मध्य चक्र है कि ये ऋतु जो, मतलब मौसम जो है ना, मौसम, मौसमी प्रजनक, इनको हम लोग मौसमी प्रजनक भी बोलते हैं, कि इनमें जो अंडाणु का निर्माण होगा ना महिलाओं में, वो केवल एक स्पेसिफिक मौसम पे होगा। तो ये होता है हमारा मध्य चक्र, ये मौसम के अनुसार होता है। ठीक है, कैसा होता है ये मौसम, मौसम के अनुसार प्रजनन, के अनुसार प्रजनन, अनुसार, हाँ, तो ये आप देख रहे होंगे कि मौसम के अनुसार जो प्रजनन होता है वो होता है आपका मध्य चक्र के अंतर्गत आता है। वहीं लेकिन हम अगर ऋतु स्राव की बात करें तो ये हर महीने होता है।
जैसे कि आपके मनुष्यों में, मनुष्य की स्पेशली जो महिलाएं होती हैं, आई थिंक महिलाएं समझ पा रही होंगी कि ये जो ऋतु स्राव है वो हर महीने होता है, ठीक है। ऋतु स्राव उनके जन्म मार्ग से जो ब्लड है, ब्लड के साथ साथ आपका अंडाणु का जो अनिषेचित अंडाणु है उसका निकल जाना, ये ऋतु स्राव कहलाता है। इसको तीसरे पार्ट में अच्छे से पढ़ना है, तो नाम सुने रहिए और जितने भी नए नाम मिले ना सारे याद करते जाइएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऋतु स्राव ये मनुष्यों में होता है, आपका बंदर में होता है, बंदर आपके प्राइमेट जितने भी प्राइमेट जो होते हैं ना इन सब में होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका ऋतु स्राव। अब हम लोग देखते हैं कि एक लिंगी, और यहाँ बहु नहीं होगा, यहाँ उभय होना चाहिए, ठीक है, उभय लिंगी, उभय। तो देखिए क्या होता है, एक लिंगी और उभय लिंगी, ऐसा पौधा जिसमें नर और मादा, सॉरी, ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा अलग अलग हों, ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा अलग अलग हों। एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे पुष्प जिसमें जिसमें नर व मादा, नर व मादा अलग अलग हों, कैसे हों, अलग अलग, अलग अलग। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं आपके खीरा को, खीरा, जैसे खीरा में क्या होता है कि ये कोई पौधा है, ठीक है, तो इसमें यहाँ ये पत्ती निकली हुई है जो भी, तो यहाँ एक पुष्प निकला है ये नर पुष्प हो जाएगा, और यहाँ एक पुष्प निकला है ये वाला मादा पुष्प हो जाएगा, ये मादा पुष्प निकल गया और ये नर पुष्प निकल गया, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये नर पुष्प का एक अकेला पुष्प है और ये मादा का एक अकेला पुष्प है। तो ऐसा पौधा जिसमें क्या, नर, सॉरी, ऐसा पुष्प जिसमें केवल नर अंग हो और ऐसा, और जिसमें केवल मादा अंग, ये दोनों अलग अलग पुष्प पे हों, तो इसको बोलते हैं एक लिंगी। और यहाँ अगर आप देखें इस पौधे को, अगर आप देखें तो इस पौधे में क्या हो रहा है कि पुंकेसर, सॉरी, नर अंग और मादा अंग दोनों एक ही पौधे में है, तो ऐसे पौधे को क्या बोलेंगे हम लोग, उभय लिंगाश्रयी। क्या बोलेंगे, उभय लिंगाश्रयी, कि इसमें नर वाला भी है मादा वाला भी है। अभी कंफ्यूज नहीं करिएगा, अभी आप सीधा एक लिंगी और उभय लिंगी को याद करिए। एक लिंगी, एक पुष्प में एक ही लैंगिक अंग, ठीक, एक पुष्प में एक ही लैंगिक अंग हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, एक लिंगी। इसको इसके जगह पे, ये वाला डेफिनेशन की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक पुष्प में एक ही लैंगिक अंग होता है, ठीक। और उभय लिंगी, एक पुष्प में, एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में दोनों लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं, दोनों नर व मादा लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं, ऐसा लैंगिक अंग। यार मैं राइटिंग कचरा है लेकिन कोशिश कीजिएगा, शायद समझ में आता होगा, अंग उपस्थित उपस्थित होते हैं, ठीक। तो ऐसा पौधा जिसमें नर और मादा दोनों लैंगिक अंग उपस्थित हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, उभय लिंगी। जैसे कि आपका हो गया गुड़हल, अगर आपने गुड़हल का पौधा एब्जॉर्ब किया हो तो गुड़हल में सिंपली ये जो आपका एक फूल है, ठीक है, तो इस फूल में क्या होता है कि ये एक नर निकल गया, सॉरी, एक मादा निकल गई और इसके अगल बगल कितने सारे नर निकल जाते हैं, इस प्रकार से यहीं पर ये नर निकल गया और ये वाला मादा, तो ये होता है आपका क्या कहलाएगा, ये उभय लिंगी, ठीक, ये पुष्प उभय लिंगी कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग का आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें क्या होता है, अगर हम लोग लैंगिक जनन की बात करते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, लैंगिक जनन जो होता है ना वो एक आंतरिक निषेचन, मतलब जैसे कि जो निषेचन होगा ना वो शरीर के अंदर होगा, और जो दूसरा होता है बाह्य निषेचन, इसमें क्या होगा कि जो निषेचन होगा ना वो शरीर के बाहर होगा, जैसे कि आपका मछलियों में, मेंढक में, स्पेशली मेंढक में देखा जाता है ये क्या होता है, और अनेक मछलियों में भी बाह्य निषेचन देखा जाता है। तो देखिए आंतरिक निषेचन सिंपली क्या होगा, नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन। निषेचन किसको बोलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक का जुड़ना, निषेचन। तो वही इन दोनों का अगर जुड़ना शरीर के अंदर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक निषेचन, और अगर बाह्य निषेचन की बात करें तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन शरीर के बाहर तो बाह्य निषेचन कहलाएगा। लिखने की जरूरत है क्या, लिख देता हूँ यार, आप लोग भी नोट बना लीजिएगा मेरे साथ साथ बनाते चलिए। क्या है आंतरिक निषेचन, क्या होता है कि नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन संलयन शरीर के भीतर होता है, क्या होता है, नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन
शरीर के अंदर अंदर होता है। ठीक, ये आधा लिख दिया हूँ, आप समझ जाइएगा, शरीर के अंदर होता है। और वहीं बाह्य निषेचन की बात करें तो सेम टू सेम क्या होगा, यहाँ बस शरीर के अंदर की जगह शरीर के बाहर लिख दीजिएगा, ये शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। क्लियर, आई होप आपको इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी। तो एक बार मैं छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ, यार 20-25 मिनट तो खींचा गया लग रहा है वीडियो, लेकिन कोई नहीं। देखिए क्या है कि एक वर्षीय पुष्प, इसमें आता है आपका नीला कुरिंजी और बांस, ये केवल वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं। नीला कुरिंजी 12 वर्ष में खिलता है और जो बांस है वो 50 से 100 वर्ष में खिलते हैं, ठीक, एक बार। और इसके बाद ये मर जाएंगे, इसके बाद ये मर ही जाएंगे, नहीं बचेंगे ये पौधे, ठीक है। अब आपका बहुवर्षीय पुष्प जैसे कि आम हो गया, कटहल हो गया, ये सब बहुवर्षीय पुष्प के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक होता है मध्य चक्र, इसमें मौसम के अनुसार क्या होते हैं, जीव प्रजनन करते हैं, जिसके डॉग हो गया, गाय हो गया, ये सब मौसम के अनुसार है। एक होता है ऋतु स्राव, जिसमें मनुष्य, बंदर, प्राइमेट, ये सब हर महीने ना क्या होते हैं, अनिषेचित अंडाणु को शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। ऋतु स्राव को आपको अच्छे से पढ़ना है तीसरे चैप्टर में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एकलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादांग अलग अलग पुष्प पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, और उभयलिंगी, एक ही पुष्प पर नर और मादांग की उपस्थिति उभयलिंगी कहलाती है। आंतरिक निषेचन, ये नर युग्मक व मादा युग्मक का शरीर के अंदर संलयन क्या कहलाएगा, आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन क्या कहलाएगा, नर और मादा युग्मक का शरीर से बाहर निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। तो बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका मेंढक, और इस मेंढक जो है ना, इसमें लार्वा स्टेज पाया जाता है, याद रखिएगा, लार्वा। आपने देखा होगा कि क्या होता है, जब मेंढक जब बनता है ना, उससे पहले जो छोटे मेंढक होते हैं उनका पूंछ निकला होता है, जैसे कि ये हो गया एक छोटा मेंढक, मैं बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद आपको दिखे, ये छोटा मेंढक है तो इसका पूंछ रहता है। फिर धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाता है ना, तो ये मेंढक का पूंछ कट जाता है और ये एक परिपक्व मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। तो जो पूंछ वाली स्टेज है ना, इसको हम लोग लार्वा स्टेज बोलते हैं। तो ये लार्वा स्टेज केवल किस में पाया जाता है, आपका बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में लार्वा स्टेज पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल मेंढक है, ठीक, मेंढक और उसका लार्वा, ठीक। और आंतरिक निषेचन का तो आप जान रहे होंगे, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, ये सब आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करते हैं। इनका बच्चा जो है वो गर्भ में होता है, उनके पेट के अंदर होता है, ठीक है। अब दो शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो आप घबराइए नहीं, ठीक। एक होता है अंड प्रजक और दूसरा होता है सजीव प्रजक। अब देखिए क्या होता है, अब कई जीवों में जिनमें आंतरिक निषेचन तो होता है, अब जिस शरीर के अंदर तो निषेचन हुआ, लेकिन कुछ अंडे बनाते हैं तो कुछ सीधे भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण मतलब कि सजीव, जैसे कि अगर इंसान की बात करें तो सीधा जिंदा बच्चा निकलता है, ठीक है, या बच्चे निकालते हैं। लेकिन अगर हम लोग वही अंड प्रजक बोले तो जैसे मुर्गी, अब मुर्गी में भी क्या हो रहा है, आंतरिक निषेचन हो रहा है, निषेचन तो शरीर के अंदर हो रहा है, लेकिन उसका जो बच्चा निकलेगा वो अंडे से निकलेगा। तो ऐसे जीव जो निषेचन के पश्चात अंडे उत्पन्न करते हैं उनको अंड प्रजक बोलते हैं। ऐसे जीव जो निषेचन के पश्चात अंडे उत्पन्न करते हैं अंड प्रजक कहलाते हैं, और ऐसे जीव जो निषेचन के पश्चात क्या निकालते हैं, ये सजीव निकालते हैं, ठीक है, जीव को निकालते हैं डायरेक्ट, तो वो सजीव प्रजक कहलाते हैं। तो इसका अच्छा एग्जांपल है आपका मुर्गी हो गया, और इसका मनुष्य, बंदर, ये सारे आदि हो गए। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जीवों के जनन के बाद, अब हम लोग पादप में जो जनन है वो वाला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे जो भी और नए नए हमारे अपडेट्स हैं सारे मिल जाए। और यार फाइनली यार, कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, मतलब आपने अब पढ़ने का ठान लिया है, तो चलिए यार जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको हिंदी मीडियम में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो फाइनली यार, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।